हेलो बच्चा पार्टी, आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने क्या किया, कवर करके क्यों रखा है। बच्चा पार्टी, ये ऐसी चीज़ है कि आपको खजाना मिल जाएगा। समझो, ये समझ लिया तो आप मैथ्स में सबसे इजी हो जाओगे। आप 10th स्टैंडर्ड में CBSE बोर्ड में बोर्ड के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो जरूर देखें और एंड तक समझने की ट्राई कीजिएगा। अभी तक आपने कुछ भी मैथ्स में पढ़ा नहीं है, स्टार्ट नहीं किया, आगे की दिवाली के एग्जाम में, स्पीड टेस्ट में, सब में फेल हो, लेकिन ये वीडियो आप एंड तक देखोगे आप समझ जाएगा, आपका माइंड क्लियर हो जाएगा कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है। ये मैं खजाना खोलने जा रहा हूं। आप देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा पार्टी, ये नए पेपर स्टाइल्स के हिसाब से 5 क्वेश्चन में 5 सेक्शन में आपको डिवाइड किया हुआ है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सी, डी एंड ई, 5 में डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले समझिए, सेक्शन ए जो है उसमें क्वेश्चन नंबर रहेंगे 1 से 20 तक। सेक्शन बी जो है क्वेश्चन 21 से 25 तक। क्वेश्चन सी जो है वो 26 से लेकर 31 तक। सेक्शन डी है जो 32 से लेकर 35 तक, और ई जो है वो 36 से लेकर 38 तक। तो पहले सेक्शन बात करता हूं सेक्शन ई की। तो ई जो सेक्शन है वो केस स्टडी बेस्ड है, मीन्स कोई लॉजिकल क्वेश्चन रहेगा उसमें और उसके सब क्वेश्चंस रहते हैं। 3 क्वेश्चन रहते हैं 4 क्वेश्चन रह गया, उसका सब क्वेश्चन रहते हैं। तो और सेक्शन जो डी है वो आपके एवरी क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा। कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का। नाउ हम कैलकुलेट करेंगे, जो सेक्शन ए है वो हर एक क्वेश्चन 1-1 मार्क का रहेगा, उसमें MCQ आ सकता है, ट्रू एंड फॉल्स आ सकता है, 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है, कुछ भी आ सकता है 1 मार्क का। ये हो गया अपना 20 मार्क्स। कितने? 20 मार्क्स का। देन सेक्शन बी जो 2-2 मार्क्स के छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे, ये कितने मार्क्स के है? 10 मार्क्स के। कितने मार्क्स के? 10 मार्क्स के। नाउ सेक्शन डी, उसमें हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, तो टोटल हो गया आपका 6 क्वेश्चन हो गए, तो 18। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट, सेक्शन डी जो 5 मार्क का एक क्वेश्चन है, मतलब वो हो गया 20 मार्क्स का। देन जो अपना केस बेस्ड स्टडी है वो अपने 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन है, मतलब हो गए 12, ये 12 मार्क्स है। तो टोटल अपना हो रहा है यहां पे 18। टोटल 80 मार्क्स का सवाल है, तो 80 में से आप कैसे कैसे ज्यादा मार्क्स लाओगे? समझो आप प्रीवियस के एग्जाम में पूरे साल में फेल हो रहे थे, 50 से नीचे मार्क्स आए, 45-40 के नीचे मार्क्स आए, तो ये जो सेक्शन सी से लेकर डी आपको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? स्ट्रॉन्ग, क्योंकि यही आपके मार्क्स कवर कर सकता है ज्यादा से ज्यादा। तो इसीलिए इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपके टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल सबसे पहले पक्के करिए, क्योंकि ज्यादातर टेक्स्ट बुक में से ही न्यूमेरिकल जाता है। देन आपके मार्क्स 70 के ऊपर चल रहे हैं, मतलब 80 में से 70 मार्क्स आ रहे हैं, 70, आपको MCQ में 2 मार्क्स में ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि MCQ आपका एक गलत हो गया तो आपके 1 मार्क्स चला गया, तो आपके ऐसे करके कम मार्क्स हो जाते हैं। बच्चा पाटे, आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, बोर्ड के एग्जाम आपके सर पे आ गई है, आप कुछ भी कर पहले किया नहीं और अभी कुछ करना चाहते हो, तो ये पूरा समझिए, वीडियो को बार बार देखिए, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है ये सेक्शन में वो देखिए, जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वही सबसे पहले करिए, फिर धीरे धीरे जो आपका वीक पॉइंट है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने की ट्राई कीजिए। बच्चा पाटी, अभी तक आपने बहुत गलतियां की है पूरे 10th में बोर्ड के एग्जाम से पहले, ये एक बार रिफर करिए और एग्जाम की तैयारी चालू करिए। मैथ्स में रहो बिंदास, मैथ्स गुरु के साथ।